ऑल ऑफ यू, आज हम अपनी ग्रामर बुक से विशेषण वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विशेषण देखेंगे क्या है, विशेषण की डेफिनेशन देखेंगे। विशेषण, निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें विशेषण में जो तीन चित्र दिए गए हैं, पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक लड़का आम खा रहा है, एक गुलाब का फूल बना हुआ है और एक औरत बनी हुई है। तो क्या है, इन चित्रों को देखकर हमें वाक्य पर, पहले हम आपको वाक्य पढ़ के सुनाएंगे क्या है, फिर उसके बाद विशेषण बताएंगे। आम मीठा है, गुलाब का फूल सुंदर है, राधा ने गुलाबी साड़ी पहनी है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मीठा, सुंदर और गुलाबी शब्द आम, फूल और साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब क्या है इसमें विशेषण, जो क्या है, मीठा है, सुंदर है और गुलाबी, ये क्या है, एक आम की विशेषता बता रहा है, एक गुलाब की विशेषता बता रहा है और एक साड़ी की विशेषता बता रहा है। अब हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों के विशेषण और विशेष इस प्रकार होंगे। ऊपर जो तीन वाक्य दिए गए हैं उसके हम विशेषण और विशेष आपको अलग अलग बता रहे हैं। विशेषण क्या है, मीठा, सुंदर और गुलाबी। अब इसका क्या होगा, मीठा का होगा आम और सुंदर का होगा फूल, गुलाबी की होगी साड़ी। अब हमें विशेषण की पहचान करनी है। विशेषण की पहचान, वाक्य में विशेषण की पहचान बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की पहचान करते हैं, फिर उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में मिलता है वही विशेषण होता है। अब उत्तर में मिलता है से क्या मतलब है, जैसे आम कैसा है, तो आम कैसा है, मीठा। गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर। राधा ने कैसी साड़ी पहनी, गुलाबी। तो ये क्या हो गई, विशेषण की पहचान हो गई। अब हमें याद रखने योग्य चीज़ इसमें क्या है, विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेष के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यात्मक और सर्वनामक विशेषण। क्या होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। अब हमें इन्हें चारों को अलग अलग समझना है। गुणवाचक सबसे पहला आएगा, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं, रंग बताते हैं, स्वाद बताते हैं, आकार बताते हैं, अवस्था, काल आदि स्थान का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली छत पर है, यह कमीज नीली है, यह लड़की सुंदर है, वह मधुर गीत गाता है। अब उपर्युक्त बालों में वाक्यों में काली, सुंदर, नीली और मधुर गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब कुछ गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं, गुण हैं, दोष हैं, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था। ये हमने गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी उसमें जितने प्रकार दिए गए हैं, जैसे गुण हैं, दोष हैं, आकार हैं, रंग, स्वाद, अवस्था, काल, स्पर्श, स्थान, इन सबको हमें क्या देखना है, इसके बारे में हमें देखना है कि ये क्या है। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। गुण मतलब क्या है, कोई अच्छा होता है, परिश्रमी, सुंदर, चतुर, मीठा, सच्चा, भला आदि। दोष क्या है, बेईमान है, कामचोर है, बुरा है, मूर्ख, निर्दयी, झूठा, दुष्ट आदि। आकार क्या है, गोल, मोटा, पतला, लंबा, ठिगना। ये सब हमें क्या करना है, आपको इसको रीड करना है और इसको समझना है। उसके बाद में आएंगे हम परिमाणवाचक विशेषण पर। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नापतौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नापतौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकान से 5 किलो चीनी लिया, जैसे वह बहुत झूठ बोलता है, मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो तो मैं कुछ देर रुकना होगा। अब क्या है, इसमें हमें एक निश्चित क्वांटिटी बताई जा रही है कि हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे 5 किलो चीनी चाहिए है, 3 मीटर कपड़ा चाहिए है, हमें कुछ देर रुकना है। तो ये क्या है, इस अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित वाचक। जिसमें निश्चित संख्या होती है उसे निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं और जिसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती उसे हम अनिश्चित वाचक कहते हैं। जैसे निश्चित वाचक लिखा हुआ, जो विशेषण
किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करती हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस डिब्बे में 2 लीटर दूध आता है, मेरे पास 2000 रुपये हैं, टोकरी में 2 किलो आम रखे हैं, यह 3 गिलास दूध पीता है। हमें निश्चित क्या है, क्वांटिटी बताई जा रही है, तो ये निश्चय निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। खा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई काफ़ी दूर है, थोड़ा पैसा आते ही वह बदल गया, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए। अब इसमें थोड़ा कुछ काफ़ी है तो ये क्या है, अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण है। अब आएंगे हम संख्यावाचक पर सर्वनाम पर। संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संख्या या सर्वनाम अब जो तीसरा वाला विशेषण दिया गया है इसमें गलत प्रिंट है, संख्यावाचक विशेषण होगा उसकी जगह पे, सर्वनाम नहीं होगा, अपनी बुक में गलत है, मिस्टेक हो गई है उसमें। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहती हैं। सिर्फ ऊपर मिसप्रिंट है सर्वनाम में, मेरे लिए 4 केले ले आओ, कल 3 लोग रास्ते में मिले थे, गली में 3रा मकान हमारा है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये सब क्या है, संख्या बताई जा रही है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित वाचक संख्या विशेषण। निश्चित वाचक संख्या विशेषण में निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं और जो अनिश्चित वाचक है वह निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। अब हम आएंगे संख्या विशेषण और सर्वनामक विशेषण में हम क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। अब आएंगे हम सर्वनामक विशेषण पर। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है मतलब इशारा करता है, सर्वनाम शब्द क्या है, बाह्य है वह ये सब होते हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, संज्ञा की तरफ अपन को संकेत कर रहे हैं। जैसे वह गाय घास खा रही है, इस बैग में गर्म कपड़े रखे हैं, यह लड़की मेरी है, तो ये हो गए सर्वनामक विशेषण। अब सर्वनाम और सर्वनामक विशेषण में अंतर, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, किंतु जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामक विशेषण कहते हैं। वह लड़का विद्यालय से आ रहा है, वह सर्वनामक विशेषण है जो संज्ञा लड़के से पहले आ रहा है, क्या है, ये सर्वनामक विशेषण है। इस सर्वनामक विशेषण में हमें याद रखनी योग्य चीज़ें क्या हैं, सर्वनामक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यह संख्या के पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है, क्या करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है सर्वनामक विशेषण का, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, और यह संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है। जैसे वह लड़का विद्यालय से आ गया, वह क्या है, सर्वनामक विशेषण है, और जो संज्ञा लड़के के पहले आ गया इसलिए सर्वनामक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब हम आएंगे प्रिविशेषण पर। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रिविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत मेहनती है, यह आम कम मीठा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज थोड़ा ज़्यादा दूध लाना होगा। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत कम, थोड़ा बहुत, क्रमशः मेहनती, मीठा और ज़्यादा कुछ अच्छा विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, ये क्या है, प्रिविशेषण है। अब हमें क्या करना है, विशेषण की अवस्थाओं पर आना है। विशेषण तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल्यावस्था क्या होती है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की विशेषता सामान्य रूप से बताई जाती है, किंतु किसी अन्य से उसकी तुलना नहीं की जाती। क्या है मूल्यावस्था में, क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष की सामान्य विशेषता बताई जाती है किंतु किसी से उसकी तुलना नहीं की जाती। जैसे मुकेश मोटा है, सिया सुंदर है। अब उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। मुकेश सुरेश से अधिक मोटा है, सिया गीता से अधिक सुंदर है। अब इसमें क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है।
और उत्तम अवस्था में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुएं स्थानों की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे मुकेश सबसे अधिक मोटा है, सिया सबसे अधिक सुंदर है। दो वस्तु, दो या दो से अधिक वस्तु या स्थानों की तुलना करके उसको किसी एक को अच्छा या किसी एक को बुरा बताया जाता है। अब विशेषण की अवस्थाओं के रूप दो प्रकार के होते हैं, विशेषण से पहले अधिक या सबसे लगाकर और तत्सम शब्दों में तर उत्तम लगाकर, ऐसी होती हैं विशेषण के पहले के अवस्थाओं के रूप दो प्रकार के होते हैं। अब हमने देख लिया मूल अवस्था में क्या लिखा हुआ है, बड़ा। उत्तरावस्था में क्या हो गया, अधिक बड़ा। उत्तम अवस्था में होगा सबसे बड़ा। अच्छा है तो अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। मोटा है तो अधिक मोटा, सबसे मोटा। और तत्सम शब्दों में तर उत्तम लगाकर कैसे करेंगे, मधुर मधुरतर हो जाएगा और फिर मधुरतम हो जाएगा, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम हो जाएगा, प्रिय प्रियतर प्रियतम हो जाएगा। अब हम ऐसे ही अवस्थाओं के, विशेषण की अवस्थाओं के दो रूप से आगे की एक्सरसाइज में शब्द बनाने हैं। अब विशेषणों के में विकार रूप की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। हमने पहले पढ़ा है ना विकारी शब्द अविकारी शब्द, ऐसे ही जे विकारी विशेषण है और अविकारी विशेषण है। विकारी विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी विशेषण कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द विकारी विशेषण होते हैं, नीला कोट, नीली साड़ी, नीले कपड़े। अब अविकारी विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, लंबा रास्ता, लंबा आदमी, लंबा समय। अब हमें विशेषणों की रचना देखनी है। अब हमें संज्ञा के शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि कुछ शब्दांशों को जोड़कर इस प्रकार की जाती है। संज्ञा शब्दों से क्या है, विशेषण बनाना बताया गया है। अब आपको ये सब पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों द्वारा विशेषण की रचना है, क्रिया शब्दों द्वारा है और अव्यय शब्दों द्वारा विशेषण की रचना आपको पढ़ना है। ये शब्द दिए गए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। अब हमने पूरा चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमें इन सब में पूरे चैप्टर का जो सार निकला, स्मरणीय बिंदु निकले, वो इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या वाले, अनिश्चित संख्या वाले। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। रूप की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, अविकारी विशेषण और विकारी विशेषण। विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज का आपको पिक्चर डाल देंगे, तो आप अपनी इसमें से बुक में से एक्सरसाइज फिल कर लेंगे।